आप सभी का स्वागत है राजनीति विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए पाश्चात्य विचारक के पेपर में अरस्तु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और हम इसका प्रारंभ करेंगे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में क्यों माना जाता है और उनके द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी कि उनके द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ सबसे पहले हम करते हैं, प्रारंभिक रूप से प्लेटो का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सामान्य रूप में अरस्तु को एथेंस का विचारक माना जाता है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेजिला नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ उसके पिता चिकित्सक थे। और विशेष बात यह थी कि वहाँ की जो संस्कृति थी वो यूनान से भिन्न थी। 17 वर्ष की आयु में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था जो अकादमी थी उसमें सम्मिलित हुआ और उसने अपने अगले जीवन के 20 वर्ष वहाँ पर व्यतीत किए अध्ययन करते हुए। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु तक वह इसी अकादमी में विद्या अध्ययन में समय व्यतीत करता रहा। प्लेटो जो था वो अपने शिष्य के की योग्यता से बहुत प्रभावित था और प्लेटो जो है अरस्तु को बहुत ही पसंद करता था, वह उसका प्रिय शिष्य था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता भी वो कहा करता था। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं जिनकी चर्चा हम अब अगले स्लाइड्स में करेंगे। कि देखिए, यूनान के दर्शन की जो परंपरा है वो सुकरात से हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है, किंतु ना तो सुकरात को और ना ही प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना आवश्यक है और उन कारणों का जायजा हम इस स्लाइड में लेंगे कि क्यों प्लेटो की तुलना में अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है या राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो हम वन बाय वन एक एक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पूरी लिस्ट है उन कारणों की जिनके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो हम एक एक करके बिंदुवार जो है इसकी चर्चा करेंगे। इसको इसमें हाई लेटर ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो पहला जो बिंदु है वो है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच अरस्तु की जो विषय के प्रति थी, कहीं ना कहीं वो प्लेटो के काल्पनिक सिद्धांतों के ऊपर ज़्यादा महत्व रखती थी। तो आइए इसका जायजा लेते हैं हम, विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। तो अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पूर्व अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया था और उनके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से तथ्य एकत्रित किए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञानकोश समझा जाता था और उसे इतिहास की अधिकारपूर्ण ज्ञान था और इसने इसी ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को उन्होंने नई दिशाएँ प्रदान की। उसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण ही उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। तो ये एक प्रमुख बिंदु हमारे सामने उभर कर आता है। आइए चलिए दूसरे बिंदु की ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु हमने यहाँ पर अंकित किया है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान करना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने जो अपने विचारों में राजनीति और नीति शास्त्र को एक दूसरे से मिश्रित कर दिया था, वो उसको पृथक रखने में असफल रहा था और यही कमी अरस्तु के विचारों में हमें देखने को नहीं मिलती। प्लेटो के विचारों में राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र का एक उपविभाग बनकर रह गया था, किंतु प्लेटो की जो राजनीति थी उसके जो विचार थे कहीं ना कहीं उसमें हमें दोनों के बीच में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। कहीं नीति शास्त्र का प्रयोग राजनीति विज्ञान के लिए किया गया और कहीं राजनीति को नीति शास्त्र का रूप देने की कोशिश हमें प्लेटो के विचारों में देखने को मिलती है।
अरस्तु को राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करने का श्रेय जाता है और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर अरस्तु का जो अप्रोच थी, उनका जो दृष्टिकोण था, वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने उभर कर आता है। इसी को डनिंग ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। डनिंग कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। साथ ही आपको विदित है कि राजनीति विज्ञान को अरस्तु सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है और उसका ये मानना था कि राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका ये कथन था कि समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला ये शास्त्र है। अतः इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की जो स्थिति है वो सभी विज्ञानों में सर्वोच्च है। आइए तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, जिस आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, और वो बिंदु है यथार्थवादी विचारक। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस हमारे सामने प्लेटो और अरस्तु को लेकर आता है। अरस्तु क्योंकि प्रथम विचारक था जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से चर्चा की, विचार किया, और उसका एक अपूर्व गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, और कैटलिन ये कहता है कि कन्फ्यूशियस के बाद में अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। अपने यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद एवं दार्शनिक राजा जैसी अमूर्त और कल्पनीय धारणाओं का प्रतिपादन नहीं करना, वरना उसका विचार यह है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वो जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है, और इस संबंध में उसका कथन था कि इस सिद्धांत में कि थोड़े से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की अपेक्षा बहुसंख्यक जनता में ही सर्वोच्च सत्ता का निवास होना चाहिए, कठिनाई अवश्य है किंतु इसमें सत्य का अंश है। तो कुल मिलाकर कहने की और तात्पर्य केवल यह है कि प्लेटो जहाँ पर कल्पनावादी विचारक था, वहीं अरस्तु हमारे सामने यथार्थवादी विचारक के रूप में उभर कर आता है। तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति आगमनात्मक और तुलनात्मक। तो अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी उसको विद्वानों ने कहीं ना कहीं आगमनात्मक स्वरूप में पहचानने की कोशिश की है। तुलनात्मकता का तो हम सब उससे परिचित हैं कि अरस्तु ने अपने तथ्यों के संग्रहण करने से पहले संविधान के संदर्भ में या राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले एक तुलनात्मक अध्ययन व्यापक रूप से किया था, और कहा जाता है कि 158 संविधानों का लगभग अध्ययन उन्होंने किया था, और उसके पश्चात ही उन्होंने उसका एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एकत्रित तथ्यों के ऊपर अपने राज्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु की जो पद्धति थी वो आगमनात्मक पद्धति थी, और आगमनात्मक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख प्रकार है। दो प्रकार की पद्धतियाँ मुख्य रूप से मानी जाती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव जो है, जिसको कि हिंदी में हम आगमनात्मक पद्धति कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषताएँ हमें अरस्तु की अध्ययन प्रणाली में देखने को मिलती है। आगमनात्मक पद्धति क्या है, इसकी चर्चा हम अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है उसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक करेंगे। तो यहाँ पर यह समझना हमारे लिए पर्याप्त है कि अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया था, और उस वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं थी आगमनात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। चलिए अगला बिंदु हम देखते हैं कि सरकार अरस्तु ने जो है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया था, ये एक अगला बिंदु हमारे सामने आता है। तो अरस्तु को एक प्रथम पश्चिमी विचारक के रूप में समझा जा सकता है, जिन्होंने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राज्य का जन्म, उसके विकास से लेकर उसका स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या और कानून की सर्वोच्चता, क्रांति आदि महत्वपूर्ण विषय जो कि राज्य के अंतर्गत महत्व रखते हैं, उन सभी विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है, और ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय आज भी बने हुए हैं। और इसके संदर्भ में भिन्न भिन्न सिद्धांतों ने राजनीति विज्ञान के खजाने को समृद्ध ही किया है, और ये समृद्धि का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है। अब प्लेटो के जो दर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेटो का दर्शन बिखरा हुआ है, और एक केंद्रित रूप से वो केवल एक लक्ष्य को लेकर चलता है, लेकिन अरस्तु का जो दर्शन है, अरस्तु के जो विचार थे, वो काफ़ी विस्तृत थे, और एक क्रमबद्ध तरीके से राज्य के पूर्ण सिद्धांत को वो अपने विचारों में व्यक्त करता है। अगला जो बिंदु है वो है सरकार के अंगों का निरूपण। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार के अंगों का निरूपण, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के संकल्पना के अंतर्गत सरकार के तीन अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कहीं ना कहीं अरस्तु ने सरकार के इन तीन अंगों को नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक
स्वरूप में इसको निरूपित किया है। अब ये अंग भले ही आधुनिक जो क्लासिफिकेशन है सरकार के अंगों का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, उनके एग्जैक्टली अनुरूप ना हो पर बहुत कुछ उनके समान ही है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अरस्तु के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं सुषुप्त रूप में विद्यमान था, और उसका इस तरह से सरकार के अंगों के प्रतिरूपण करने के पीछे हमें यह उद्देश्य देखने को मिलता है कि वह यह चाहता था कि शक्ति का केंद्रीकरण सरकार के किसी एक अंग में ना हो। शक्ति पृथक्करण यानी कि सभी अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र बने रहें और एक दूसरे को नियंत्रित व संतुलित करते हुए प्रजा के विकास के लिए जो है अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र में करते रहे। तो कहीं ना कहीं हमें ये दोनों सिद्धांतों के बीज अरस्तु के सिद्धांतों में देखने को मिलते हैं, उनके विचारों में देखने को मिलते हैं। अगली चर्चा करते हैं, और जो कि आधुनिक राज्य की, चूँकि खास तौर से एक विधि का शासन की और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है, और ये आधुनिक राज्य का एक प्रमुख लक्षण है, उसके भी बीच हमको अरस्तु के विचारों में देखने को मिलते हैं। आइए उसका जायजा लेते हैं। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया था, और अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। तो यहीं पर वो प्लेटो से दो कदम आगे निकल जाता है। प्लेटो जहाँ पर दार्शनिक राजा के विवेकीय शक्तियों में विश्वास करता था, उसके दार्शनिक शिक्षा जो उसको 35 से 50 वर्ष तक मिलती थी, एक लंबी शिक्षा की बात जो प्लेटो अपने विचारों में करता है, उस शिक्षा से वो एक राजा को उच्चतर दार्शनिक ज्ञान में इस तरह से दीक्षित करना चाहता है, इस तरह से शिक्षित करना चाहता है कि वो सभी मानवीय त्रुटियों से परे हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति वास्तव में अगर मौजूद हो तो निश्चित रूप से उसको कानून से परे रखा जाता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति मानव है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई मानवीय त्रुटि और गुण अवगुण अवश्य होगा, और उसे पूर्णतः सांसारिक मोहमाया से मुक्त मान लेना एक भ्रम ही साबित हो सकता है, और इस भ्रम के पीछे हो सकता है वो अपने निहित स्वार्थ भी पूरा करे। तो प्लेटो की इस कमजोरी को अरस्तु के विचारों में हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलती। अरस्तु ने कहीं ना कहीं व्यक्ति के विवेक यानी कि एक व्यक्ति के स्वयं की बुद्धि पर शासन का कार्य और छोड़ने की बजाय उन्होंने विवेक के स्थान पर परंपरागत नियम यानी कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो नियम और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास किया। तो कहीं ना कहीं ये अरस्तु को आधुनिक विधि के शासन की संकल्पना के नज़दीक लेकर आता है, जिससे कि प्लेटो वंचित था। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में उसका पूर्ण विश्वास एक ऐसी धारणा है जिनके आधार पर उसको संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी आधुनिक जो राजनीति विज्ञान की संकल्पनाएँ वो हमें अरस्तु के विचारों में तात्कालिक समय में देखने को मिलती हैं। अगले बिंदु की और अंतिम बिंदु की हम चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर प्लेटो के स्थान पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, और ये अंतिम बिंदु है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाला एक प्रथम विचारक है। उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप में को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, और क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच में संघर्ष होता है। तो अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों का विस्तृत अध्ययन करते हुए उसने जो निष्कर्ष निकाला है, यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका प्रयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्त समस्याएँ सरलता से हल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें अरस्तु के जो विचार हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने को मिलता है कि राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए, और साथ ही साथ में राज्य का ये कर्तव्य भी बनता है कि निर्धन और धनवान लोगों के बीच में धन की खाई इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से उलझ जाएं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसकी बात मार्क्स करता है। तो मार्क्स के क्रांति के जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं वो हमें अरस्तु के चिंतन में भी देखने को मिलते हैं। तो अरस्तु ने बहुत समय पहले यानी कि तात्कालिक एथेंस में ईसा पूर्व इस बात को भली भांति जान लिया था कि राज्य निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं आर्थिक भूमिका में समाज में अपनी आर्थिक खाई को बांटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, और आर्थिक खाई इतनी समाज में बड़ी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति और या समाज वर्गों में बंटकर आपस में संघर्ष में रत हो जाए। तो इस चीज़ को हम देखने को यहाँ पर मिलता है कि
ये विचार हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान का पिता है, क्योंकि उसके विचारों में हमें आधुनिकता के जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी के दर्शन होते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। और इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो है कि यथार्थवादी विचारक, दूसरा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। तो ये दो तीन बिंदु ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। और निश्चित रूप से ये जो बात कही जाती है ये बिल्कुल सत्य है। अब चर्चा करते हैं हम अरस्तु के पद्धति की कि वह क्या पद्धति थी अरस्तु की जिसके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। पहली जो विशेषता थी अरस्तु की पद्धति की वो थी अनुभव सिद्ध, जिसको कि अंग्रेजी में हम एम्पिरिकल मेथड कहते हैं। एम्पिरिकल मेथड का तात्पर्य यानी अनुभव सिद्ध प्रणाली का तात्पर्य बहुत सीधा सा है कि हम जो ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसको अनुभवजन्य ज्ञान कहा जाता है, एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख कान नाक जिह्वा और हमारी त्वचा, इन पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम परिस्थितियों का, वस्तु स्थिति का और घटनाओं की जानकारी लेते हैं, उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस अनुभव के आधार पर जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उन तथ्यों के आधार पर किसी घटना को विश्लेषित करने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उसी को हम अनुभवजन्य ज्ञान की प्राप्ति का तरीका कहते हैं। और अरस्तु के जो प्रणाली थी अनुभवजन्यता, उसकी निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि अरस्तु ने अपने तात्कालिक परिस्थितियों का जायज़ा लेने के बाद, उनका गहन अध्ययन करने के बाद, वहाँ से तथ्यों का एकत्रीकरण के बाद ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, अपने विचारों को रखा था। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अरस्तु का जो विचार थे उनका आधार अनुभवजन्य ज्ञान था। दूसरी अरस्तु की पद्धति की विशेषता की पद्धति की चर्चा करते हैं तो वो थे आगमनात्मक विशेषताओं से युक्त है। इंडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के, कहीं ना कहीं वो हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलते हैं। तो इस बात का अब आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, तो आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले अवलोकन किया जाता है, यानी कि तात्कालिक परिस्थितियों का जायज़ा लिया जाता है, तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, उसके आधार पर विश्लेषण करके और अंत में जो है उसका सैद्धांतिकरण किया जाता है। तो ये डिडक्टिव मेथड से थोड़ी सी अपोजिशन रखती है। डिडक्टिव मेथड में पहले थ्योरी यानी थ्योरी का निर्माण किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस संकल्पना का निर्माण किया जाता है और उसके बाद में विशेषीकरण से तरफ में बढ़ा जाता है, और इंडक्टिव मेथड में विशेषीकरण से जनरलाइजेशन की ओर बढ़ा जाता है, यानी कि विशेष अध्ययन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो ये जो विशेषता है हमको अरस्तु के पद्धति में देखने को मिलती है। अरस्तु ने अपने तात्कालिक जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका काफ़ी व्यापक गहन अध्ययन किया था और उनसे प्राप्त तथ्यों के एकत्रीकरण के आधार पर ही फिर उसने अपने जो क्रांति संबंधी सिद्धांत हैं या राज्य के वर्गीकरण के जो संबंध में जो सिद्धांत हैं उनका प्रस्तुतिकरण किया था। तो कहीं ना कहीं हमें आगमनात्मक पद्धति की विशेषताओं के दर्शन अरस्तु के विचारों में होते हैं। तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, वो है तथ्य इतिहास व परंपराओं के प्रति काफ़ी अरस्तु का लगाव था और उनका आग्रह भी था कि अपने अध्ययन में इतिहास के जो तथ्य हैं, जो परंपराओं से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका भी, उनको भी अपने अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए और उनको निग्लेक्ट करना यानी कि उनको अध्ययन से दूर रखना निश्चित रूप से अध्ययन की वैज्ञानिकता के लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। तो इस बात की और इस चीज़ के दर्शन भी हमें अरस्तु के विचारों में होते हैं कि अरस्तु ने इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करने के उपरांत कई सारे तथ्यों को खोजा था और उन तथ्यों को उसके पश्चात बाद में अपने सिद्धांतों में के निर्माण में प्रयोग में लाया गया था उनके द्वारा। चौथा विशेषता की चर्चा करते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी पुनः दोहरा लेते हैं कि प्लेटो की तुलना में जो अरस्तु का दृष्टिकोण था वो काफ़ी यथार्थवादी था। जहाँ पर प्लेटो के विचारों को कल्पना के साथ रोमांस की संज्ञा दी जाती है, वहीं उसकी तुलना में अरस्तु यथार्थवादी था। उन्होंने अपने तात्कालिक समाज में प्रचलित और अन्य राज्यों की शासन व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया था और उसके पश्चात ही यथार्थवादी आधार से और उसी दृष्टिकोण से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। जहाँ प्लेटो के विचारों में हमें कल्पना के अंश देखने को मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उसका जो सारा विचार थे वो कल्पना पर आधारित थे। एक दार्शनिक राजा की खोज, एक
आदर्श न्याय व्यवस्था वाला राज्य, स्त्रियों का साम्यवाद, शिक्षा प्रणाली जो कि काफ़ी अव्यवहारिक थी। तो ये सब जो चीज़ें थी वो कल्पना का विषय थी और प्लेटो के जो भी विचार हैं वो कल्पना के रोमांस के रूप में कहा जाता है। लेकिन उसके उलट अरस्तु जो था वो यथार्थवादी था, धरातल पर खड़े होकर सोचने वाला व्यक्ति था और उसने अपने चारों तरफ जिस तरह की परिस्थितियाँ देखी उस परिस्थितियों के अनुरूप ही उसने अपने विचारों को ढालने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये जो विशेषता थी यथार्थवादी दृष्टिकोण की, ये हमें अरस्तु की पद्धति में देखने को मिलती है। ऐतिहासिक प्रवृत्ति, तो अरस्तु ने अपने जितने भी विचार प्रस्तुत किए थे उन सबको प्रस्तुत करने से पहले उसने ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सहारा लेते हुए समस्त जो तथ्य जहाँ से वो एकत्रित कर सकता था उनका एकत्रीकरण किया था, उनका अध्ययन किया था और उसके पश्चात उन ऐतिहासिक निष्कर्षों से ही उसने अपने सिद्धांतों को परिमार्जित करने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं यह पद्धति जो है वो भी हमें अरस्तु की एक व्यापक पद्धति के अंतर्गत देखने को मिलती है। तुलनात्मक दृष्टिकोण, तो यह बहुत ही आधुनिक वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तुलनात्मक दृष्टिकोण। तुलनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत भिन्न भिन्न तथ्यों को आपस में तुलना करके निष्कर्ष की ओर बढ़ा जाता है। तो ये जो विशेषता है वो हमें अरस्तु के सिद्धांतों में देखने को मिलती है। अरस्तु ने अपने संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुति करने से पहले लगभग कहा जाता है 158 से 200 संविधानों का अध्ययन किया था। इतनी राज व्यवस्थाओं का और उनके विशेष तत्वों का, उनकी प्रणालियों का अध्ययन करने के पश्चात ही अरस्तु ने अपने राज्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। तो कहीं ना कहीं उसने क्योंकि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था तो तुलनात्मक पद्धति के आधार पर जो सिद्धांत गढ़े जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में उनमें वैज्ञानिकता के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। तो ये विशेषता भी हमें अरस्तु की पद्धति में देखने को मिलती है। परंपरा का प्रेम और जनमत का सम्मान करने की तत्परता, तो ये एक हालांकि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी अरस्तु के विचारों की एक विशेषता के रूप में हम उसको यहाँ पर अंकित करते हैं कि वो अरस्तु अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ रहना चाहता था। परंपरा से जो चले हुए सिद्धांत थे कहीं ना कहीं उनके प्रति उसका समर्थन था। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि दासता के प्रति, जो कि निश्चित रूप से आज की दृष्टिकोण से अवैज्ञानिक थी, किंतु कहीं ना कहीं दासता की प्रथा का जो है अरस्तु ने समर्थन किया था और उसके समर्थन में अपने तर्क भी प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ से इस बात की हमको जानकारी मिलती है कि अरस्तु जो है कहीं ना कहीं परंपराओं से काफ़ी प्रेम करता था और वो जनमत का भी सम्मान करता था, क्योंकि तात्कालिक जनमत इस तरह का था, इस तरह के विचारों से परिपोषित था कि उस अवस्था में दासों की स्वतंत्रता की और समान अधिकार की बात करना निश्चित रूप से जनमत को अपने विरुद्ध करने वाली बात होती। तो इन दोनों ही चीज़ों के जो विशेषताएं हैं, परंपरा के प्रति प्रेम और जनमत के सम्मान करने की जो तत्परता हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलती है वो प्लेटो के विचारों में देखने को नहीं मिलती। तो ये भी अरस्तु की पद्धति की विशेषता रही हैं। अब सम्यक रूप से अगर चर्चा की जाए, व्यापक रूप से अगर चर्चा की जाए, तो इस अरस्तु की जो पद्धति थी उसने वो एक मध्यम मार्गीय पद्धति थी और इस मध्यम मार्ग के बारे में कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस के बाद में अरस्तु ही एक प्रमुख मध्यम मार्गी था और परंपराओं के साथ साथ यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सम्मिलन, ये एक अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। अरस्तु की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिक्स है और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जो है एथेंस का संविधान है। यहाँ पर गलती से एक्सचेंज टाइप हो गया है तो इसको आप एथेंस पढ़िएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अरस्तु के सारे विचारों के दर्शन हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आज के व्याख्यान के को हमने दो प्रमुख बिंदुओं में समेटा है। पहले पार्ट में हमने इस बात को जानने की कोशिश की है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है और दूसरे पार्ट में हमने अरस्तु की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसकी जो विशेषताएं थी उनको जानने और समझने का प्रयास किया है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।